यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, 1 किलो इसमें मैं कीमा यूज़ कर रही हूँ और 1 किलो ही मैं करेले यूज़ करूँगी, उसको मैं आपको बताती हूँ बाद में। 6 अदद मैंने लहसुन की जगह ले ली हैं और छोटा सा पीस मैंने ले लिया था अदरक का, और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च लेके इनको मैंने चॉप कर लिया है। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, आपने इसको चॉप कर लेना है। स्पाइस में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई सौंफ, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं यूज़ करूँगी क्रश चिलीस, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेले को इस तरीके से सारा छिलका रिमूव कर लेंगे। इसको दोनों साइड से जो है काट लेंगे और मिड में से इसका कट लगा लेंगे, इसके अंदर जो गंद है वो निकाल लेंगे। किसी भी स्पून की मदद से आप उसका गंद जो अंदर है वो रिमूव कर दें। तो गंद रिमूव कर लिया और इसके अंदर अच्छी तरह नमक लगा लेंगे, अंदर भी इसके ऊपर लगा लेंगे और बाहर भी अच्छी तरह इस पर नमक लगा के, और सही चील पानी में ना इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम, मैंने बाकी के भी काट के इसमें डाल दिए इसी तरीके से, और चील पानी में 1 घंटे के लिए तकरीबन हम रख देंगे, और 1 घंटे के बाद इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है, और अब जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च है वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लूंगी। दो से तीन मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, जीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया, क्रश चिली, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर और हल्दी। इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह भून जाए, जो मसाला वो जले नहीं। 1 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें मैं कीमा शामिल करूँगी। जो कीमा है उसको भी मैं अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भून लूंगी।
पान भी मैंने इसको अच्छी तरह भून ली है। अब मैं इसमें तकरीबन एक गिलास पानी शामिल करूँगी और तकरीबन 20 मिनट मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन मिक्स करके और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ जो करेले हमने रखे थे पानी में उसको अच्छी तरह वॉश करके उसको फ्राई कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए, कीमे को चेक कर लेंगे। कीमा हमारा रेडी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जो करेले हैं हम उसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, जो करेले थे मैंने उसको अच्छी तरह वॉश करके उसको ड्राई कर लिया, अब इसको फ्राई कर लेंगे। जो हमें ना बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना। फ्राई करने का मकसद ये है कि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। इनको देखिए मैंने गोल्डन कर लिए, इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की, बहुत ज़्यादा भी आपने इसको गोल्डन नहीं करना, इस तरह की शक्ल हो। बाकी की जो करेले वो मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। करेले मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, अब मैं जो करेलों के लिए मसाला है वो तैयार करूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया है, दो दरमियाने साइज के प्याज काट के मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें अब 2 से 3 अदद मैंने टमाटर काट लिए वो शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। अच्छा जो कीमा है उसमें हमारे मसाले पूरे, ये मैं जो ग्रेवी तैयार कर रही हूँ उसके मसाले में डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी इसमें। हाफ टी स्पून इसमें मैं जीरा शामिल करूंगी। और 1/4 टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी। इसको तकरीबन 5 मिनट मैं कवर करके रख दूंगी कि ये अच्छी तरह जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और दूसरी तरफ जो करेले मैं उसमें कीमा भर लेती हूँ। अच्छा करेले को भी मैंने ठंडा कर लिया, अब मैं इसमें जो है कीमा भर, आधा कीमा मैं करेलों में भरूंगी और आधा जो कीमा है मैं वो करेले में डालूंगी। इस तरीके से जो है पहले सारे जो करेले हैं उसको कीमा भर के साइड पर रखते हैं। सारे जो करेले हैं उसमें कीमा भर लेंगे। अच्छा इस तरीके से धागा लेके और इसको ऐसे बंद करते जाएंगे ऐसे पकड़ के, और इसके आसपास जो है जो धागा है वो उससे इसको बिल्कुल कवर कर देंगे। इसी तरह सारे करेलों को मैं धागे के साथ कवर कर लूँगी। 5 मिनट हो गए, टमाटर और मसाला हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया। अब इसमें आधा मैंने करेले कीमा जो है उससे करेले भर लिए हैं और आधा मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको भून लूंगी।
मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब जो केले थे उसको मैंने सबको धागे के साथ अच्छी तरह कवर कर लिया है और ये इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं तकरीबन इसको 10 मिनट दम दे दूंगी और 10 मिनट के बाद मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारे कीमा भरे करेले रेडी हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।